मेरा बाप ना तुम्हारा बाप होगा वो मेरा बाबू ये 160 रुपए किलो है पूरी है 700 हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने आरएम लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूं। तो ये है सुबह सुबह का टाइम है, करीब 5:15 बज रहा है और मैं थोड़ा जल्दी आज उठी थी। मैं ऐसे इतना जल्दी उठती नहीं हूँ, बहुत डांट पड़ती है फिर भी उठ नहीं पाती हूँ क्योंकि रात लेट सोती हूँ, नींद नहीं आती रहती है तो लेट हो जाता है। तो आज काम था और क्या काम है अभी आप लोग को दिख जाएगा, ऐसे थंबनेल में पता चल ही गया होगा। आज है हमारे यहाँ सुंदरकांड और इसलिए मैं सुबह जल्दी उठी हूँ क्योंकि पतिदेव जी जा रहे हैं फूल माला लेने के लिए। तो मैं कभी गई नहीं हूँ फूल मंडी वगैरह, तो मैं सोची कि चलो इनके साथ मैं भी देखती हूँ कैसा फूल मंडी है। सब्जी मंडी तो गई हूँ, फूल लेने कभी नहीं गई, तो इसलिए सुबह सुबह उठना पड़ रहा है और मुझे इनके साथ जाना पड़ रहा है। और अभी देख रहे हैं कितना अंधेरा है। तो अब हमारी गाड़ी निकल रही है बाहर जो पार्किंग से और हमारे साथ में जा रहे हैं राजीव सर हैं, इनके दोस्त भी हैं और हमेशा साथ रहते हैं, कोई भी काम करते हैं तो हम लोग जो हैं पूरी सोसाइटी का कार्यक्रम है तो मिलजुल के काम करते हैं। तो जिसको जैसा मौका मिलता है तो उसमें अपना जिसके पास समय रहे से हो करते हैं। और ये हम आ गए हैं एलिवेटेड रोड पर और अभी भी देखिए लाइट जल रही है, तो रोशनी तो पूरी हो गई है लेकिन लाइट फिर अपने आराम से ही बंद होगी। मुझे लगता है सौर ऊर्जा से चलता है ना वो वाली लाइट है। और ये आ गए हैं हम यहाँ पे मंडी में और ये हमारे गाजीपुर फूल मंडी और यहीं से थोड़ा सा फल फ्रूट भी लेना है, फूल भी लेना है और फल वगैरह भी लेना है। तो चलिए मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे और बस आ गई हूँ देखने का रहता है ना कि। और यहाँ पर देखिए ऐसे फूल लगे हुए हैं पूरा एकदम, और ये जो बेल होता है ग्रीन पत्ते वाला तो बहुत है यहाँ पे। सुबह सुबह लोग आते हैं अपने शॉप के लिए लेते हैं और सजाने के लिए जो फूल वगैरह है, माला वगैरह पूजा पाठ के लिए और बाकी जो बुके वगैरह बनते हैं उसके लिए भी। तो इतने सारे फूल हैं यहाँ पे और थोड़ी सी मुझे क्या लगी ना कि सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है बना हुआ थोड़ा, लेकिन पता नहीं ऐसा ही होता होगा। मुझे जो फील हुआ कि थोड़ा सिस्टम से सही तरीके से जो आने जाने में आसानी होती, बाकी कई तरह के एकदम नए नए एकदम फूल ताजे फूल कहते हैं ना ऐसे, तो आर्टिफिशियल फूल देखने को मिलते हैं, यहाँ पे ओरिजिनल फूल देखने को मिला। और देखिए माला बना रही है सुबह सुबह, माला भी बैठ के कई सारी जो बहनें हैं बना रही थी वहाँ पे, तो ये सब देखने को मिला, नई चीज़ थी, नया एक्सपीरियंस। वहाँ से फूल माला लेके फिर यहाँ पे हम आ गए हैं ये जूस कॉर्नर पे। मैं कहीं आज जूस वगैरह शायद भूल जाएंगे लेकिन मेरे पतिदेव जी सब कुछ भूल सकते हैं, ये मुझे जूस पिलाना नहीं भूल सकते हैं। तो ये कड़वा करेला का जूस सुबह सुबह पिलाएंगे ही पिलाएंगे, तो बैठ गए हैं कि भाई पिला दो फिर पी के ही जाएंगे गाड़ी लेके सीधे अंदर क्योंकि दोबारा आना फिर और ढेर सारा काम है आज के दिन। तो हम लोग करेले का जूस पी रहे हैं जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन क्या करूं, जाना है तो जाना है उसी पे। थोड़ा सा जो मैं इतने एक्टिव रहती हूँ ना तो कारण यही है कि डायबिटिक हूँ तो करेले का जूस डेली नियम से पिलाते हैं जिसके कारण मैं थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है मेरा तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से घर पे। और ये बाहर का सीन देख रहे हैं ना, खूब चहल पहल हो गई है, सुबह हो गया करीब मुझे लगता है 7:30 मैंने बज रहा होगा टाइम हो रहा होगा। उसके बाद घर आ रहे हैं, घर पे भी बहुत सारे काम है, तो ये पूजा का बर्तन है जो वहाँ पे थाली वाली काम पड़ेगा तो इसको मैं नीचे अपने फ्रेंड के यहाँ से आ गई थी और मैं नहावा ली हूँ, नहावा के फिर मैंने ये काम कर रही हूँ, फल वगैरह धो के रख लिया। अब ये मैं पूजा के बर्तन थोड़ा सा साफ कर रही हूँ
कि इसमें वहाँ पे सारा कुछ इंतजाम करना होगा। तो कह थोड़ा कोई भी कार्यक्रम करें आप, छोटा या बड़ा, जो व्यवस्था में रहता है उनके पास तो काम होता ही होता है, ऐसे नहीं, और बहुत सारे लगे हुए हैं काम के लिए। तो और उसके बाद चलिए फिर मैं क्लब हाउस में दिखाती हूँ क्या हो रहा है। तो ये मैं क्लब हाउस पहुँच गए। हाँ, रोई रोई और चावल जी बताइए। रोई हाँ, चावल हाँ, रोली हाँ, धूप हाँ, घी रोई हाँ, दो चीज नहीं है, रोई और चावल। चावल दोनों बाहर से। मैं चावल का डब्बा दे दूंगी, ठीक है? ठीक, कटोरी जल्दी करवा दो। ठीक, कटोरी उसमें है चार, देख लीजिए। और कटोरी चाहिए आपको? एक बैठ के अंदर कटोरी है उसमें, ये हम कर लेंगे। नहीं नहीं, तो सारी व्यवस्था करके और अब नीचे आ गए हैं। अब पूजा शुरू होने वाला है और घर में मेरी बहू आ गई हैं, वो खाना वाना बनाई थी। हमने खाना वाना खा के फिर वो, क्योंकि यहाँ 4 बजे से स्टार्ट था, सॉरी 5 बजे से, तो यहाँ पे आके और तैयार व्यार होके आ गए हैं और पूजा में शामिल होते हैं। अब ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप लोग सुंदरकांड का आनंद लीजिए, अच्छे अच्छे भजन का आनंद लीजिए। अब फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग के बीच में आऊँगी, बाकी कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आप लोग एकदम आनंद लीजिए। और देखिए दरबार कैसा लगा आप लोग को ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कैसा लगा ये सुंदरकांड। और धीरे धीरे सारे टीम तो आ ही गई है और सारे लोग अब पूजा में आ भी गए हैं पूजा के लिए। ओम अस्तु प्रक्षालनार्थाय, 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 ओम जलम माचनिकम कुर्यात् हाताय करे पी ले इसको, ओम जलम माचनिकम कुर्यात्, 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 पुनः पुनः ओम पुरातु हस्तो पुरोस्तो वृक्षारिक्षे वयोला वयस्वति प्रदिशे सन्तु मह्यं विष्णु राट्यमसि शांति शांति साम शांति रे रे। ओम सभी इसमें चढ़ा दे और दोनों हाथ जोड़ एक बार। सभी के हाथों में पुष्प है, एक एक दक्षिणा रखें और भगवान गणेश का ध्यान करें। गोजिद्धि और सिद्धि के दाता है भगवान गणेश, आइए भगवान गणेश का ध्यान करें। ओम गणनंदा गणपति गंगा वामहे, प्रियनंदा प्रियपति वामहे, निधनंदा निधपति वामहे, तावत्तम सन्निधौ अस्य प्राणापति सन्तु अस्य प्राणातृच्छन्तु च देवत्तम वाचारे मामेति कश्चन रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यं आश्रम च अमृतत्वं ग्रहण परमेश्वर। इसमें से जल लें जहां जहां जिसका हाथ पहुंचा, एक बार जल चढ़ा लें। ओम गंगा च यमुना सरस्वती कावेरी जले अस्मिन् गुरु, ओम गंगा च यमुना सरस्वती कावेरी जले अस्मिन् गुरु। ओम कुमकुम कामनादि दिव्यम कामना काम संभावने कुमकुमे अर्चितो देव ग्रहण परमेश्वर अक्षताशुर्चे कुमकुमाक्ता शोभता मयानि वेद्या भक्त्या ग्रहण परमेश्वर। हाथ लगा ले ग्रहण परमेश चढ़ा दी, चढ़ा के दोनों हाथ जोड़े। सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपाते तुभ्यं वासति प्रतिहृतं सुधातो योत्साहस्रमे वासो वस्ति रूपम् ग्रहण परमेश्वर। चढ़ा दीजिए दोनों हाथ जोड़ने, बीच में हाथ कर ले सभी हाथ। ओम नारिकेलम फलम जम्बूरम जम्बूभरम कूष्मांडो भक्त्या गर्भतम प्रति गृहताम। चढ़ा दी
नारिकेलम ओम पुंगीफलम महदस्य नायवृत्तम एलादि चूर्णादि सहितम तांबूलम प्रतिग्रहतम। सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपाते तुभ्यं वास्ति प्रतिगतं नाना सुगंधि पुष्पाणि यथाकारोर्भवानि च पुष्पांजलिमय दत्तो ग्रहण परमेश्वर चढ़ा दीजिए। दोनों हाथ जोड़ ले गणेश जी महाराज से प्रार्थना करें। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष के त्रोक के भक्ता नाम या भ्यम कृत्रा त्राता हर हरात अनिया पूजा गणपति प्रियंताम नमम। बोले गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज की जय। बाकी सभी जोर जगह है उसके बाद गुरु जी हमारे पीछे बैठे सब हमारे भी लगा दियो। जय प्रेत्रा सरकार की जय। महंत जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र महाराज की हरे 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 हरे
देखे आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस तरह का कार्यक्रम था और पूरी सोसाइटी की बहनें सब यहाँ पे आके और पूरा एकदम भक्ति भाव में लीन थी। खूब बढ़िया कीर्तन हुआ, खूब अच्छा सुंदर कांड हुआ, भजन हुआ और उसके बाद रात हो गई थी और मुझे एकदम सूट करने का बाहर का थोड़ा भी रहा ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला जो बाहर सूट करते खाना पीना, तो थोड़ा अंधेरा हो गया था। तो ऐसी लाइट दिख रहा है आप लोग को, तो ये भंडारा चल रहा है। तो आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक लाइक कमेंट शेयर की उम्मीद लगा के बैठती हूँ, हम लोग का बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज, फिर से अच्छे से नवरात्रे के वीडियो लेके आऊँगी। और ये नवरात्रे के बीच में आ रहा है, चूँकि नवरात्रे से जस्ट पहले ही हुआ था तो मैं पहले नवरात्रा का तो वीडियो ब्लॉग डाल दी हूँ, तो उसके बाद मैं कही कि ज़्यादा ये वो पुराना हो जाएगा, तो बीच में ये इसका ब्लॉग आ रहा है, फिर से उसके बाद नवरात्रि के ब्लॉग आएंगे और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा और ढेर सारा प्यार देते रहिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।